जहां एक तरफ शिखा ने अब सभी को बता दिया है कि किस तरीके से वो चिन्मय से मिलने तो गई, लेकिन चिन्मय अपनी शादी तोड़ना चाहता है। शिखा से शादी के बाद ही चिन्मय चला गया था और यहाँ पर शिखा आज तक नहीं जानती कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चिन्मय लौट कर ही नहीं आया। आखिरकार अक्का साहब और राव साहब से उसकी ऐसी कौन सी नाराजगी है जिसकी वजह से वो इस घर में वापस ही नहीं आ रहा। शिखा ये सब कुछ नहीं जानती, लेकिन जिस तरीके से चिन्मय ने उसके साथ बर्ताव किया है उसके बाद अब टूट चुकी है शिखा। और यहाँ पर शिखा को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे, लेकिन सभी जो है वो चाहती है कि कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से चिन्मय को वापस घर कुछ दिनों के लिए बुलाना ही होगा। तो कौन सा प्लान कर रही है सभी और किस बात को लेकर अब वो पहुंची है अक्का साहेब के पास, तो क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि जहां एक तरफ अब लगातार शिखा जो है इस बात को लेकर टूट चुकी है कि किसी भी तरीके से चिन्मय घर वापस आने को तैयार ही नहीं है, और अब इसी बात को जब उसने सभी को बताया तो सभी जो है वो चाहती है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर वापस लाना ही होगा चिन्मय को। और अब वो पहुँची है अक्का साहेब के पास, अक्का साहेब से उसने मदद मांगी है। उसने अक्का साहेब को बताया है कि किस तरीके से शिखा की चिन्मय के साथ मुलाकात हुई थी और चिन्मय आने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अब अक्का साहेब सभी की मदद करती नजर आएंगी। यूं तो अक्का साहेब सभी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन यहाँ जिस तरीके से सभी अक्का साहेब से रिक्वेस्ट करेगी, उससे उन्हें मनाएंगी और बताएगी कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शिखा की मदद की जाए, क्योंकि वो जानती है कि अगर शिखा की मदद नहीं की गई तो शिखा कोई भी कदम उठा सकती है। तो अब यहाँ पर सभी के प्लान में शामिल होने वाली हैं अक्का साहेब भी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।